मांझे में काटा बहुत ज्यादा है। अगर किसी ने बरेली लॉयन लड़ाया होगा तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग। कुछ बताना चाहेंगे कि ये बरेली ड्रैगन और बरेली लॉयन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है जी, ये तो बरेली लॉयन है जी, ये आज 2020 का जमाना चल रहा है, मार धाड़ आर पार में, ये बेस्ट है ठीक है। और ये हर तरीके से आप लड़ा सकते हो, आप 2000 की रेंज में ले जाओ, 1500 की रेंज में ले जाओ आप पतंग, ना घाव खाएगी डोर, बहुत तेज रिजल्ट देगी। ये चरखा फंसा के नहीं लड़े। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग आर्ट गैलरी, दिस साइड ऋषभ। तो शायद आपने गेस कर लिया हो कि आज हम कहाँ पे आए हुए हैं। अगर नहीं गेस कर पाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बरेली में आ चुके हैं और आज हम ऐसी एक शेर की मान में आए हैं जिसको मतलब हमने कई सारी जगह देखा है। बोलते हैं कि शेर से मिलने के लिए शेर जंगल में जाना पड़ता है या तो उसकी मान में जाना पड़ता है। तो आज हम ऐसे एक शेर के पास आए, बुलाते हैं हमारे फरीद भाई को। अच्छा नहीं, शेर के पास चलते हैं। हाँ, शेर के पास चलते हैं, सीधा चलते हैं। तो चलिए हम अपने फरीद भाई के पास चलते हैं और देखिए कितना सारा स्टॉक लगा हुआ है, हमारा भी स्टॉक उसमें ही है। शेर को बुलाने की। हाँ। तो देखिए पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो काम हो रहा है वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में हो रहा है क्योंकि क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और केवल दो ब्लॉक्स लग रहे हैं, एक बरेली लॉयन हो गया और दूसरा हो गया बरेली ड्रैगन। शाबिश भाई दिखा सकते हैं उधर, इसमें हमारा भी स्टॉक लगा हुआ है। और पहले हम फरीद भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा आपको डोर का रिव्यू देंगे क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे आपने नहीं देखा होगा कि हमने बरेली ड्रैगन का रिव्यू किया हो। तो फरीद भाई पहले तो बताइए कि आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एकदम, मतलब वेट एट सब एकदम पेट अंदर हो गया, एकदम फिट हो गए, एकदम चौकस। तो कुछ टिप्स दे दीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी टिप्स दीजिए कि ये सब कैसे। ये टिप ऐसे है कि आपको अपना अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा जी, ठीक है। 9 बजे मैं सो जाता हूँ और 3:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह में। कोई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 9 बजे के बाद मुझे फोन ना करें प्लीज। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा डाइट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। चलिए ये बात हो गई थोड़ी फिटनेस की, अब बात करते हैं जो हमारे फरीद भाई ने नया मांझा लॉन्च किया है, ये देखिए रखा हुआ यहाँ पे इजाज बेग प्रेजेंट्स बरेली ड्रैगन। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये बरेली ड्रैगन और बरेली लॉयन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है जी, ये तो बरेली लॉयन है जी, ये आज 2020 का जमाना चल रहा है, मार धाड़ आर पार में, ये बेस्ट है ठीक है। और ये हर तरीके से आप लड़ा सकते हो, आप 2000 की रेंज में ले जाओ, 1500 की रेंज में ले जाओ आप पतंग, ना घाव खाएगी डोर, बहुत तेज रिजल्ट देगी, दो चक्करों में फैसला करेगी। बिल्कुल। हाँ, ये खासियत है इस डोर की, घाव नहीं खाएगी डोर ये। बिल्कुल। तो ये बरेली लाइन को अगर आप इसको थोड़ा रेस्ट दे लोगे तो ये भी हर तरीके से लड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप 2 महीने का इसको रेस्ट दे के लड़ाओगे तो ये भी हर तरीके से ही लड़ेगी। सही बात है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बरेली लॉयन जो था वो मार धार के पेच, मतलब दो टुकड़े के पेचों में बहुत शानदार रिजल्ट देता था। अब जो हमारे बरेली ड्रैगन आ गया है ये मार धार के पेच में भी आपको वही सेम रिजल्ट देगा और दूर के पेचों में भी सेम रिजल्ट देगा। तो ये कुछ डिफरेंस है जो बरेली लॉयन और बरेली ड्रैगन के बीच में है और आप देख सकते हैं कि कितना सारा स्टॉक लगा हुआ है, ये भी हम ले जाएंगे। काफी सारे वैसे बेसिकली हमने ऑर्डर्स कैंसिल किए थे इस चीज से रिलेटेड क्योंकि हमने खुद रिव्यू नहीं किया था पहले उस चीज का, क्योंकि जब तक हम कोई चीज अपने एंड से ट्राई नहीं कर लेते हैं, उसका रिव्यू खुद से नहीं कर लेते तब तक उस चीज को हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो आज मैं रिव्यू कर लिया और जितनों को भी चाहिए होगा उनको अब ये मांझा जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए हमने पहले रिव्यू उसका कर लिया बट अब फिर से रिव्यू करके दिखाते हैं। तो शावेज भाई आएंगे और आपको रिव्यू करेंगे उसका। और मेरे हाथ में 2 मांझे आएंगे। बिल्कुल। एक ये है बरेली लॉयन, लॉयन का बेसिक ब्लैक बोल सकते हैं इस समय, तो ये बेसिक ही है। हाँ, गलत तो नहीं, सही बात है। तो वैसे औरों का ये टॉप टॉप है, टॉप के भी ऊपर है पर इनका ये बेसिक है। तो ये जो मांझा है दोस्तों, ये जो इस समय मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है उसके हिसाब से मांझे ये तैयार करवाए गए स्पेशली। ये मांझियों में सबसे बड़ी बात ये, चाहे कितने भी मॉइस्चर में आप इसको यूज़ करिए, काटा इतना ज़्यादा शानदार काटा है कि ये कभी भी आपका नमी ले ही नहीं सकता। अगर इसको आप थोड़ा रख भी लेंगे तब भी ये कहीं से
19 नहीं बैठने वाला, 2-3 साल तक तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ही रहेगा, और हो सकता हो 2 साल के बाद ये और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ये इसका रिव्यू है। दो टुकड़ों के अगर आप पेच लड़ाते हैं स्पेशली, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं सिर्फ इसका रिव्यू कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके रिव्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ, दो टुकड़ों के पेच के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके जो रिव्यू हैं वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। लोगों के शायद 28 पेचों के भी रिकॉर्ड हैं मेरे पास। इलाहाबाद के एक बंदा था मेरे पास, एक वीडियो अपलोड किया था, वो बंदा इलाहाबाद से मेरे पास सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया था, और लॉकडाउन के समय पे आया था, जान की बाजी लगाकर आया था कह सकते हैं। बिल्कुल, उनकी वीडियो आपने अपलोड की, उनकी वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो उनको मैंने दिया था, उन्होंने पहली उड़ा के 28 पतंगे शायद काटी थी, एक आध पतंग कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि साल भर से ज्यादा हो गया है तो इतना याद नहीं है, 28 पतंगे जहाँ तक हमको याद आ रही है उन्होंने काटी थी। तो वो मुझको सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए आए थे। तो रिकॉर्ड इस तरह के हैं, उन्होंने 28 काटी थी, शायद इससे भी ज़्यादा पतंगों का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये रही इसके रिव्यू की बात, काफ़ी ज़्यादा रिव्यू इसके पहले भी मेरे चैनल पे अपलोड है। ये जो चरखा है ये है कांटेदार, तो ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ छोटे पेचों के लिए ही है। इससे पहले जो मेरे पास स्टॉक गया था, मेरे पास जो स्टॉक गया था वो कानपुर में, मैंने कानपुर में रिकॉर्ड है, अगर कोई मांगना चाहे मुझसे तो मैं खिलाड़ियों के नंबर दे सकता हूँ, 2-2 दिन पतंग फंस कर नहीं कटी इस मांझे की। और जाजमऊ में गेम लड़ रहा था, मैं इतना बता सकता हूँ, जाजमऊ में गेम लड़ रहा था, और खिलाड़ी का नाम भी मैं बता सकता हूँ इस वीडियो में। चलिए वो बात बहुत दूसरी वे में चली जाएगी, क्योंकि फिर वो एक खिलाड़ी का नाम बताऊंगा तो फिर वो जो कटे हैं, मैं किसी की बेइज्जती यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग, मैं उनका रिव्यू दे रहा हूँ लेकिन लोग पता नहीं क्या समझे। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जाजमऊ में पतंग लड़ी थी, 2 दिन पतंग नहीं कटी, 2-2 दिन के बाद पतंगें उतारी गई हैं, तो फंसने में भी इसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मांझा सिर्फ खींच के नहीं लड़ता, फंस के भी लड़ता, लेकिन इसको आपको फंसा के लड़ाने के लिए स्पेशली बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो चरखे इनसे बनवाए थे वो सारे दूसरे पैटर्न के बनवाए थे, और मेरे पास ये जो मांझा जाता है ज़्यादातर इस पैटर्न पे नहीं जाता है। अगर आप खींच के लड़ाते हैं तो ऑलरेडी कभी भी आप मंगा लीजिए, लेकिन अगर आपको फंसा के लड़ाना है तो एक बार आपको बताना ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर बताना कि मुझे आपको मुझे लॉन्ग रेंज में लड़ाना है, फंसा के लड़ाना है, या दो टुकड़े में लड़ाना है। तो देखिए मां दर्द क्या है, जब तक पेशेंट बताएगा नहीं डॉक्टर को, डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, इलाज कैसे होगा। सही बात है। तो ये है, बाकी चलिए इसका रिव्यू करते हैं। ये ड्रैगन देखिए, अब मैं एक मुद्दे पे आता हूँ। ये जो बरेली ड्रैगन है, इस मांझे के कम से कम मैंने सैकड़ों जो ऑर्डर होते हैं वो कैंसिल किए हैं। और क्यों कैंसिल किए हैं, इस ब्लॉक को निकले तो काफ़ी समय हो गया। कितना समय हो गया, हो गए कम से कम 3-3.5 महीने, 3-3.5 महीने अराउंड हो गए। तो इस पीरियड में मेरे पास इसके बहुत सारे ऑर्डर आए पर मैंने कैंसिल किया, क्योंकि ये मांझा थोड़ा सा कॉस्टली था, और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं मंगाता हूँ तो डिब्बे से कम मंगाता नहीं हूँ, तो क्वांटिटी में मांझा मंगाता हूँ, आएगा तो उसको मुझे बेचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, गलत तो नहीं है, सही बात है। तो इसका जब तक मैं रिव्यू नहीं कर लेता तो मैंने ये सोचा था इसका ये मांझा मैं नहीं मंगाऊंगा। फिलहाल इसका मैंने आज रिव्यू किया, ये मांझा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मांझे में काटा बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने बरेली लॉइन लड़ाया होगा तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट उससे कहीं ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। और अभी जो मैं चरखा मेरे हाथ में है, ये चरखा फंसा के नहीं लड़ेगा, ये चरखा आपका खींच के बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ेगा। और इस चरखे के भी मेरे पास दूसरे खिलाड़ियों ने रिजल्ट दिए हैं, जो खिलाड़ी हमारे एजाज भाई से पर्सनली उन्होंने मंगवाए हैं, कानपुर के हैं, और उन्होंने मुझे इसका रिव्यू दिया। उन्होंने बोला कि बरेली ड्रैगन जो है वो फंसा के भी बहुत अच्छा लड़ रहा है। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी जिद्दोजहद करके फाइनली टाइम निकाल के पास आए इस मांझे का रिव्यू करने खास करके। तो दोस्तों हरी झंडी है मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा अच्छा मांझा है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिए, बेस्ट मांझा है। तो दोस्तों साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो शॉप पर आ चुका है। तो ये देखिए बरेली ड्रैगन, सबसे पहले ये आ गया बरेली ड्रैगन, और उसके बाद ये भी बरेली ड्रैगन है। तो ये कुछ चरखे हो गए बरेली ड्रैगन के। ये देखिए बरेली लॉयन है, 8400 के ऊपर है, ब्लू कलर के ऊपर है, ये आर्टिकल 8400 बरेली लॉयन ब्लू कलर। और एक ये और है आर्टिकल 8400, ये भी है, ये है बरेली लॉयन में चॉकलेटी कलर है ये। और एक और है ये जो हो गया, ये है आपका फालसाही कलर, ये भी 8400 आर्टिकल के ऊपर ही है। फिर ये आ जाएगा आपका बरेली लॉयन, ये 123 के ऊपर है,
और फालसा ही कलर है लाइट। इसके बाद बरेली लॉयन है, देखिए आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऊपर लग के आया, ब्लैक कलर है ये बरेली लॉयन का। और ये देखिए बरेली ड्रैगन फिर से निकला है। बरेली ड्रैगन में सारे के सारे ब्लैक ही हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं है, कोई कलर ऑप्शन आपके पास नहीं है। बरेली लॉयन में आपको कलर ऑप्शन मिलेंगे, पर ड्रैगन में कोई भी कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। ये देखिए ड्रैगन निकला है, पर इसमें भी कोई कलर ऑप्शन नहीं है। तो ड्रैगन आप देख सकते हैं काफ़ी हैं, ड्रैगन भी, ड्रैगन की भी संख्या काफ़ी है। तो ये सब ड्रैगन पड़े हैं ये, और बरेली लॉयन भी हो गया। बरेली लॉयन भी आपको काफ़ी क्वांटिटी मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ब्लैक है, देखिए रेड भी आपको नज़र आएगा भी एक, ये भी ब्लैक है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट चरखे के ऊपर लग के आया ये रेड कलर। तो बरेली लॉयन में आपको काफ़ी ज़्यादा कलर मिल जाएंगे, पर बरेली ड्रैगन में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मिलने वाला है। ये देखिए एक बार फिर से रेड आ गया बरेली लॉयन। काफ़ी सारा स्टॉक है, आप देख सकते हैं पूरी शॉप पे मेरे। ये देखिए शॉप पे स्टॉक की कोई कमी नहीं है। ये देखिए आप, ये भी कुछ अभी अनबॉक्सिंग होना है दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में ये सारी अनबॉक्सिंग होगी। आज का जो स्टॉक है वो बरेली लॉयन का है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी जिसको ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकता है। जो बरेली लॉयन का प्राइस रखा गया है वो 2700 रुपये विदाउट कोरियर, 2700 रुपये बरेली लॉयन, और विदाउट कोरियर बरेली ड्रैगन 3300 रुपये। तो 3300 रुपये बरेली ड्रैगन का प्राइस रखा गया, और बरेली लॉयन का जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया 2700 रुपये। जिसको भी ऑर्डर करना है जल्द से जल्द ऑर्डर करें, क्योंकि स्टॉक काफ़ी जल्द इनका उड़ जाता है, पता नहीं चलता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी स्टॉक कुछ ऊपर भी लगा है, आप देख सकते हैं स्टॉक की कमी नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे हमारे पास। ये देखिए जहां पर आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ही मिलेगा। ये सारी भी अनबॉक्सिंग बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।